और जिहड़ी ये मूर्ति है ये पाकिस्तान लाहौर तो आई है, ये सन 47 स्थापित की गई है। जिहड़े बजुर्ग जी सीगे जी उन्होंने सपना आया सी, वो लोग इत्थे दे जिहड़े लोग वो ले आए थे, इत्थों जिहड़े बजुर्ग सीगे वो ले आए थे। तुसी तस्वीर राही देख रहे हो, ये मंदिर है माँ भद्रकाली का। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा तस्वीर दिखाइया जान कि अज मंगलवार भी है, मंगलवार वाले दिन इत्थे बहुत जिहड़ा वा संगतां दा रश रहिंदा वा। तुसी देख रहे हो लाइना जिहड़ियां लंबियां लंबियां लाइना जिहड़ियां लगियां होईयां वा मंदिर दे अंदर। तो ये मंदिर की जिहड़ी महामाई की पिंडी आपां जिहड़ी गल कर रहे हैं, महामाई की पिंडी जिहड़ी आ 1947 दे पाकिस्तान के लाहौर तो लिया के इत्थे स्थापित की गई थी। तो इत्थे संगतां जिहड़ियां वा दूरों दूरों आउंदियां वा। इत्थे साडे नाल कुछ श्रद्धालु भी जिहड़े आ मौजूद आ जिहड़े अज इत्थे मत्था टेकन लई आए होए आ, कपूरथले तो भी आते हैं पिंडां तों, जिहड़े आसे पासे दे पिंड आ जां दूजे शहरां तों भी इत्थे महामाई जिहड़ा भद्रकाली दा जिहड़ा मंदिर आ इत्थे मत्था टेकन लई आते। इत्थे गलबात भी करांगे साडे नाल श्रद्धालु आ। की नाम जी अपना? मेरा नाम राजेश पासी है जी। पासी जी मंदिर आए हो, भद्रकाली दा मंदिर आ, अज साडी टीम भी इत्थे पहुँची आ, तो की कहना चाहोगे कि तुसीं किद्दां मंनदे हो मंदिर नूं? ये बहुत इतिहासिक मंदिर आ। 1947 पाकिस्तान तो पिंडी इत्थे आई सी, उदो छोटी जी मिट्टी सी मंदिर से, पर महामाई बड़ी मेहनत सारे दी आसां मुरादां पूरियां करन वाली आ, और जो इत्थों मंगीए वो पूरा हुंदा आ, और पूरे इलाके दी ईवन देशों विदेशों दे भी इत्थे श्रद्धा आ, और हुण बहुत वड्डा मंदिर बन चुका। हरेक साल मेला हुंदा, हुण भी 14-15 मई का मेला आ, और महामाई की बेअंत कृपा वा अपने बच्चों से अपने भगतों से, और जो इतों मंगो वो पूरा होगा। तुसी हर अक्सर इतने मंदिर आते रहते? मैं तो रोज़ आना जी, बेसिकली मैं शेखपुर का इस टाइम उत्थे रहना, इसलिए मेरा और साडे परिवार का इस मंदिर प्रति पूरी श्रद्धा है। तो मेले की जो आप गल करिए किन्ने साल हो गए इतने मेला लगते? 47 तो बाद लगातार लगातार मेला लगता, हर साल लगता। ये सीगे श्रद्धालु जिहड़े मत्था टेकन इत्थे आए हुए आ। तो तुसीं देख रहे हो कि लोग जिस तरह कि इन्होंने दस्या कि लोग जिहड़े आ श्रद्धालु दूरों दूरों इत्थे मत्था टेकन लई आउंदे आ, ते इत्थे होर भी जिहड़े आ श्रद्धालु इत्थे आए हुए आ, उन्हां नाल भी असीं गलबात करांगे, उन्हां नूं भी पुछांगे तुसीं इत्थे आउंदे हो। भाजी की नाम अपना? मोहम्मद रफी। ठीक है, तो मत्था टेकन आए हो? हाँ जी। ठीक है, तो कदों तो आ रहे हो मत्था टेकन इत्थे? बहुत पुराने आए, अज तो ही बहुत पुराने हैं, शुरू तो ही होंगे ही, बहुत मशहूर मंदिर भद्रकाली। तो इत्थे मनोकामना भी पूरी होंगी? पूरी अभी धागा बनना पैंता, इतना मौली बननी पैनी, ये भी श्रद्धालु से जिन्होंने कहा कि इत्थे एक धागा जिहड़ा बनना पैंदा वा। कि मैं कैमरामैन कहूँगा तस्वीर दिखाइया जान जिस तरह जिहड़े आ इत्थे श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने लई इत्थे एक धागा जिहड़ा बन के जांदे आ। जदों धागा जिहड़ा वा बन तो बाद जदों मनोकामना पूरी हुंदी आ उस तो बाद इत्थे धागा जिहड़ा वा खोलदे भी आ के, ते इन्ना पवित्र जिहड़ा वा पुराना जिहड़ा मंदिर इतिहासिक मंदिर आ माँ भद्रकाली दा। ते दसदी आ कि इत्थे हर साल मेला जिहड़ा वा बड़ा भारी मेला जिहड़ा वा इत्थे लगदा वा, हुण भी मेला जिहड़ा वा मई दे विच 14-15 मई नूं मेला जिहड़ा वा इत्थे लग रिहा वा। क्योंकि जिस तरह दस्सिया कि पाकिस्तान तो जी पाकिस्तान के लाहौर तो 1947 तो जो महामाई की पिंडी जी इतने स्थापित हुई सी उदों तो ही लगातार इतने 47 तो लैके हुण तक मेला वा इतने लगता वा। मेला जिहड़ा वा 2 दिन का जिहड़ा मेला जिहड़ा महामाई का इतने हुंदा वा, संगतां जिहड़ियां देशों विदेशों तो दूरों जिहड़ियां आउंदियां वा इतने मत्था टेकन लई। तो इतने अंदर पंडित जी भी आ, पंडित जी नाल भी गलबात करांगे, पंडित जी नूं भी पुछांगे असीं, तो पंडित जी भी दसणगे सानूं इस इतिहास बारे, क्योंकि जिन्ना सानूं इतिहास पता सी उन्ना असीं तुहानू दर्शकों भी असी दस्या वा। इत्थे लोग जिहड़े आंदे आ मत्था टेकन लई, मत्था टेकन आए? हाँ जी। ठीक है, कित्थों आए तुसीं? असीं जलंधर तो आए जी। जलंधर तो? ते हर साल आने हो? हाँ जी, मेरे पेकियां दा घर इत्थे आ, नाल बैक साइड ते पेकियां दा घर आ जी। ते की कहना चाहोगे इस मंदिर बारे कि मनोकामना भी पूरी हो? बिल्कुल जी पूरी होंगी, सच्चे मन नाल तुसीं मन के जाओ नाल ही महामाई पूरी करदी तुहाडी श्रद्धा। ते तुसीं कल्ले आए हो? हाँ जी, मम्मी होरी आए नाल मेरे। तो इत्थे पंडित जी भी आ, पंडित जी ने भी असी गल करांगे, तो पंडित जी ने भी पुछांगे। तो अंदर दी जिस तरह तुहानूं तस्वीरां दिखाइयां वा
इत्थे सारे धर्मां दे जिहड़े लोग आ इत्थे पहुँचदे आ। तुसीं देख रहे हो झंडा लै के इत्थे आए हुए आ। सति श्री अकाल जी, सति श्री अकाल जी, सति श्री अकाल जी। मत्था टेकना है जी? हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਮੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਆ? ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਦਰ ਨੂੰ। ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮੰਦਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵਰੂਪ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਂ ਮਾਈ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਵਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੈ, ਵਹੀਂ ਸੇ ਮਾਤਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। वहाँ पे भी शेखुपुरा है? हाँ, वहाँ भी शेखुपुरा है, यहाँ शेखुपुर है। तो यहाँ ये फौजी आए थे वही लाए यहाँ पर उस दिन से। उठे भी मंदिर है जी? हाँ, ऐसे भद्रकाली मंदिर ही होते? भद्रकाली मंदिर है शेखुपुरा लाहौर में। ते तुसी कभी गए उस मंदिर पाकिस्तान का जेड़ा शेखुपुरा मंदिर है? शेखुपुरा मंदिर है पाकिस्तान में लाहौर में, पाकिस्तान का राजधानी लाहौर है, लाहौर में है। ऐसे पंडित जी जिन्हों का कहना कि कपूरथला दे विच जिहड़ा वा शेखुपुर मंदिर है जिहड़ा ए वाला, ते पाकिस्तान का लाहौर दे विच शेखुपुरा उत्थे भी एक महामाई का जिहड़ा मंदिर आ ਮਾਂ ਭਦਰਕਾਲੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਂ ਭਦਰਕਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਮਾਂ ਭਦਰਕਾਲੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 14-15 ਮਈ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ 1947 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ, ਪਿੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲਿਆਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਖਪੁਰੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਖਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੜਿਆਲ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੜਿਆਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੜਿਆਲ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੌਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਫੌਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ ਜੀ।
तो इस करके उत्थे ना चढ़ा दिता पाकिस्तान वाले ने। क्यों क्यों नहीं चढ़ा दिता कुछ ये बारे? नहीं जी ये बारे च नहीं, वो तो चलो इतने बजुर्ग है उन्होंने सारा पता है। तो मैंने तो यह भी जना 15-16 साल तो मैं इतने सेवा कर रहा, तो लोग जेड़े भी आते उन्होंने मनोकामना पूरी होंगे। काफ़ी लोग दूरों दूरों आते हैं, लोग जो हूँ जिदा मेला लगता जी मई बच्च, लोग बहरों भी बहरले विदेश यात्रा चो उन्हें अपनी मनोकामना पूरे करके उत्थों मत्था टेकते, तो इस करके हर एक मनोकामना इतने पूरी होंगी। जे मोजी की तुम गल की जो उन्होंने कड़ियाल नहीं चढ़ा दिता गया, उस तो बाद इसे जे आप महामाई भद्रकाली के मंदिर की गल करिए इतने आके उसने कड़ियाल चढ़ाया। हाँ जी हाँ जी इतने कड़ियाल चढ़ाया उन्हें, तो काफ़ी दिन इतने रहा हूँ भी इतने कितने रखे होना है, इतने ही है जी वो भी पुराना जो कड़ियाल है। तो काफ़ी लोगों की इतने मनोकामना हरेक बंद की मनोकामना पूरी होंगी, जो भी लोग अपनी इच्छा करके आते उन्हें मनोकामना पूरी होंगी इतने आकर। ये सिगे मंदिर के जेड़े आ पुजारी जी जिन्हों का यह कहना कि इन्होंने जोड़ा इतिहास होर आप थोड़ा जहा दसिया वा कि जिस तरह एक फौजी जदों उत्थे पाकिस्तान के लाहौर दे शेखुपुरा दे मंदिर दे विच जिद्दां दा मंदिर इत्थे आ मां शेखुपुर भद्रकाली दा, इद्दां दा मंदिर एक शेखुपुरा लाहौर दे विच आ, जदों उह कड़ियाल चढ़ाउण लई महामाई दे मंदिर दे विच पहुंचिया ते उहनूं उत्थे कड़ियाल जिहड़ा वा नहीं चढ़ा दित्ता गया, उस तों बाद उह फौजी इस कपूरथला दे पिंड शेखुपुर दे विच इस मंदिर दे विच आया ते आ के उसने इत्थे कड़ियाल जिहड़ा वा चढ़ाया। क्योंकि जिस तरह इन्हां ने दस्सिया कि पुराने बजुर्ग जिहड़े मंदिर दे सीगे इत्थे दे उहनां नूं सुपना आया, सुपना जदों आया तो सुपना आने तो बाद पाकिस्तान दे विच उत्थे गए, पाकिस्तान दे लाहौर जिहड़ा वा लाहौर दे विच शेखुपुरा पिंड आ उत्थों जिहड़ी महामाई दी पिंडी जिहड़ी आ लिया के इत्थे कपूरथला दे शेखुपुर पिंड दे विच मंदिर दे विच इत्थे पिंडी जिहड़ी आ स्थापित कीती, जिहड़े सानू असीं तुहानूं कैमरा दे जरिए आपां दर्शन भी जिहड़े आ इत्थे पिंडी दे महामाई दे जिहड़े करवाए आ। तो जिस तरह पंडित जी ने दस्सिया इत्थे हर किसी दी जिहड़ी मनोकामना जिहड़ी पूरी हुंदी आ, देशां विदेशां तों जिहड़े लोग इत्थे आ के नमस्तक हुंदे आ मत्था टेकदे आ, ते हर साल जिहड़ा वा महामाई दा जिहड़ा वा मेला जिदा कि पहले भी दसदे आए हाँ हुण भी यही दस रहे हैं कि हर साल मेला जिहड़ा महामाई दा बड़े श्रद्धा भाव दे नाल इत्थे मनाया जांदा वा, आ हुण भी जिहड़ा वा 14-15 मई दा मेला जिहड़ा वा इत्थे मनाया जा रहा वा, जिहड़ी भी तरीक जिहड़ी आ निकलदी आ मेले दी उह हर साल जिहड़ा वा मेला इत्थे मनाया जांदा। जदों दा इत्थे महामाई दी पिंडी जिहड़ी स्थापित कीती गई आ उदों तों लगातार हुण तक जिहड़ा वा मेला इत्थे लगदा आ रहा वा। कपूरथला तों कैमरामैन रजिंदर राजू दे नाल गगन बहल दी रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़।